सरेआम फिल्मी स्टाइल में दबंगों की दिखी गुंडागर्दी। युवक को पिस्टल लेकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। पीड़ित युवक ने भाग कर किसी तरह बचाई अपनी जान। पीड़ित रणजीत सिंह ने थाने में की लिखित शिकायत। कार्यवाही तो दूर, जांच करने के लिए भी नहीं उठे दारोगा। एसपी ने मामले का लिया संज्ञान, कार्यवाही का दिया आश्वासन। पुरानी रंजिश में रणजीत के नाती पर हुआ जानलेवा हमला। अखंड प्रताप सिंह और पीर मोहम्मद पर गुंडाई का आरोप। बेखौफ अपराधियों ने छावनी बाजार में मचाया तांडव। मुकदमा दर्ज करने के बजाय संदिग्ध से 10,000 वसूले। पूरे मामले की लीपापोती कर रही छावनी थाने की पुलिस। तो ये मोड़ा में प्राइमरी स्कूल के सामने अखंड प्रताप सिंह राजा, ये और एक स्वामी का गुरु मोहम्मद, ये और एक और लोग उनको नहीं पहचानता है, गाड़ी बीच रोड पे खड़ी करके हमको रोकने लगे। उसके बाद जब हम देखे कि दो तीन लोग हैं, तब तक ये पिस्टल निकाल के हमको गोली की, रुकिए वरना गोली मार देंगे। तब तक हम साइड से गाड़ी खुद मतलब भागे गाड़ी से। उसके बाद ये लोग हमको पीछे तक पूरा रपटाए हैं। उसके बाद फिर पूरा गांव तक हमको रपटाए। उसके बाद उसी गांव में हमें घर पे गए हैं, छिप गए हैं। उसके बाद ये लोग वहां पे गाली गलौज किए। उसके बाद वहां से ये लोग वापस चले गए। कब का मामला है ये? 18 तारीख का। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया जी? हम एप्लीकेशन दिए थे थाने के, पर उसका कोई जांच वास नहीं हुआ। क्या कोई रंजिश था क्या आपके साथ? जी बहुत पुरानी थी रंजिश, पारिवारिक रंजिश थी। वैसे इनके चाचा वाचा मार दिए थे हमारे। उनके चाचा आपको मार दिए? नहीं, हमारे घर के बाबा को।